अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित कर्दो रोड पर। इस वक्त तकरीबन टाइम हो चुके हैं 7 बजे। आज मैं जा रहा हूँ जी एक लॉन्ग ड्राइव पे, सो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा आगे जाकर आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो अभी मैं सुबह कर्दो से तकरीबन 6 बजे निकला था और यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए रुका हूँ। यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैं जल्दी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको एक और नई चीज़ दिखाने वाले हैं, सो वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। बुरम रुंदी हो भी नहीं हो तो गाइस, फाइनल हमारी नाश्ता हो चुके है और अभी हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। सो हमारी सफ़र के लिए दुआ करें। गिलगित कर्दो रोड एक खूबसूरत रोड है और साथ साथ ये रोड ख़तरनाक भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी कारपेटिंग हुई है और कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है। सो गाइस, आप जब भी यहाँ पर ड्राइव करते हैं सो आराम से आप लोग गाड़ी चलाएं ताकि किसी किस्म की हादसा पेश ना आए। ये रोड खूबसूरत है और यहाँ पर जो अक्सर हादसा होते हैं वो ओवर स्पीड की वजह से हो जाती है। सो गाइस, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जी दम्बूदास रुंदू में। ये दम्बूदास में मौजूद एक गांव है और यहां पर आपको होटल्स भी मिलेंगे और बाकी आप जो भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहते हैं यहां से आपको इजीली मिल जाएंगे। हमारे यहां पर कुछ काम था इस वजह अभी हम रुके हैं यहां पर। अभी हमने दम्बूदास को क्रॉस करके आगे रुंदू के दूसरे गांव की तरफ यानी त्रिकोलेज की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं। ये गांव त्रिकोलेज है और यहां से इंशाल्लाह गिलगित हम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह हमारे गिलगित में एक दिन स्टे करने का प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह हम मेन सिटी में हम घूमेंगे, वो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह हम शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं गिलगित कर्दो रोड की क्या सूरत हाल है, क्या वो ठीक है या ख़राब। सो ये इस जगह पे जिस अभी हम गुजर रहे हैं ये मलूप है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहे हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी होती है, तो ये जगह थोड़ा सा ख़राब है आलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास। बाकी सारे जो रोड्स है वो बिल्कुल क्लियर है। Thank you.
कर दो रोड के जो चौक पे पहुँचे, यहाँ से एक रोड जो है वो गिलगित की तरफ जाती है, दूसरा रोड यहाँ से आगे अराउंड पिंडी की तरफ, और इस तरफ अगर जाए तो ये स्कर्दू जाती है। बाकी यहाँ पे ये चौक उन्होंने बनाया हुआ है। और अभी हमारा जो सफ़र है वो हम जा रहे हैं गिलगित की तरफ। खाना शाना खा ले, और हमारे कुछ काम था वो भी हमने पूरे कर लिए। और अभी ये आप एनलाइन मार्केट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे एक दोस्त है वो वहाँ पर है, मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। सो चले फिर हम आगे थोड़ा घूमते हैं। और गिलगित सिटी में मैं ये पहली दफ़ा घूमने के लिए आया हूँ, सो देखते हैं क्या चीज़ मिलने के लिए मिलते हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं एनएलआई मार्केट गिलगित में। सो ये स्कर्दू के एज कंपेयर बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ गिलगित में। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे घुमा हूँ, पहले भी आ चुका था लेकिन मुझे इस तरह के मार्केटों में घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा मैं आया था। सो काफ़ी बहुत बड़ा मार्केट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाहौर किसी अनारकली बाज़ार आया हूँ। हम वहाँ से गाड़ी लेकर आए थे लेकिन यहाँ से बाज़ार में घूमना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ किसी दोस्त से बाइक लिया है। और अभी हम जाते हैं उस दोस्त से मिलने के लिए।
हाँ जी छोटे, किस तरह है ये? तीन सौ का है सिर्फ, ये 300 का है। ये तो बहुत महंगा दे रहा हो यार। सो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं दन्योर ब्रिज पे और ये आप चेक करते हैं ब्रिज का नज़ारा। और इसी के साथ जो गिलगित का रिवर है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें बहुत डेंजरस है यहाँ पे। थैंक यू। सो गाइस, इस वक्त हम पहुँचे वहाँ सिटी पार्क गिलगित में और यहाँ पे सनसेट जो है बहुत खूबसूरत हो रही है, आप चेक देख सकते हैं आगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में आया हूँ। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब भी हम पंजाब में आगे किसी शहर में जाते हैं तो यहाँ पर लोग जो सेकेंड टाइम फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए उस पर यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गिलगित रिवर के बिल्कुल साइड पे, आप ये चेक कर सकते हैं गिलगित रिवर। और इसके साथ ही आपको मैं एक मज़े का चीज़ दिखाता हूँ, ये आप चेक कर ज़रा। इस लोकेशन के साथ ये होना तो बहुत मज़ा आया।